स्वागत है बच्चों स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में। बेटा आज हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। आपके पास दो सेट दे रखा है, एक सेट है 2, 3, 4, 2, 4, 7 एंड 16। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि रिलेशन क्या है, रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो रिलेशन के लिए ज़रूरी है कि हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना चाहिए, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट जब तक नहीं आएगा बेटा, हम लोग रिलेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ से नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास सेट ए है, सेट बी है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता था, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे। क्या बनाते थे, हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते थे और ऑर्डर्ड पेयर को एक सेट का फॉर्म दे देते थे, वो बन जाता था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलो जरा इसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि टू का टू के साथ में एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ऐसे लिख लेते हैं। टू का फोर के साथ में लिख लेते हैं, 2 का 7, 2 का 9, 2 16। इसके बाद 3 का आएगा, 3 का 2 के साथ में आपने देखेंगे, 3 का 4, 3 का 7, 3 का 9, 3 का 16। अब 4 का नंबर आया, 4 का 2, 4 का 4, 4 का 7, 4 का 9 और 4 का 16। ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए थे, ठीक है ना। इन सारे ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम ब्रेसेस में इस तरीके से इनको अगर रख दें तो ये हमारा बन जाता था ए क्रॉस बी। यहाँ तक तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात थी। अब रिलेशन कैसे निकल के आ रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट से, उसको हम समझते हैं। जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनमें एक कोई रिलेशन हम ढूंढते हैं। रिलेशन का मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से किसी फॉर्मूले से बंधा हुआ है, या फर्स्ट सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से बंधा हुआ है, या फर्स्ट या सेकंड से बंधा हुआ है। यहाँ बंधने का मतलब है कोई ऐसा कोई फार्मूला है या कोई ऐसा कनेक्शन है जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को एक दूसरे से बांधे हैं। जरा हमको देखते हैं, 2, 2 में कोई नहीं दिख रहा, 2, 4, तो 2, 4 को हमने ऐसे अलग कर लिया इस तरीके से। यहाँ पर अभी हम बताएंगे क्या हमें यहाँ पर इसमें कनेक्शन दिख रहा है, आगे जब हम लिखेंगे ऑटोमेटिक आप लोग ही समझ जाएंगे। 2, 7 में है नहीं, 2, 9 में है नहीं, 2, 16 में नहीं, 3, 2 में नहीं, 3, 4, 3, 7, 3, 9 में दिख रहा हमें कनेक्शन, 3, 16 में नहीं, 4, 2 में नहीं है, 4, 4 में नहीं है, 4, 9 में नहीं है, 4, 16 में हमको एक कनेक्शन दिख रहा है। अब आप समझे क्या कनेक्शन है। आप देख रहे हैं जो सेकंड एलिमेंट 4 है वो फर्स्ट का स्क्वायर है, यानी 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज़ द स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज़ द स्क्वायर ऑफ 4। तो ये जो एक स्क्वायर आया ना, ये एक स्क्वायरमेंट आया, यानी एक तरीके से एक कनेक्शन एक सेट हुआ। तो ये आपका बन गया रिलेशन, यानी 2 इज़ रिलेटेड टू 4 और 4 इज़ रिलेटेड टू 2। क्लियर है ना। तो अच्छा हमको ये बताओ, ये जो हमारे पास 2, 4, 3, 9, 4, 16 आए हैं, क्या ये ऑर्डर्ड पेयर्स से नहीं आए हैं? क्या ये जो हमने नंबर्स लिए हैं ऑर्डर्ड पेयर, जो हमने केवल 3 ही निकाल के आपको रखे हैं, क्या ये इन ऑर्डर्ड पेयर से नहीं आए? तो आपका जवाब होगा यस, ये ऑर्डर्ड पेयर ही से तो आए भाई। देखो 2, 4 यहाँ से तो आया है, ठीक है ना, 3, 9 यहाँ से आया है और 4, 16 यहाँ से आया है। तो हम क्या ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन हमने बनाया है, क्या रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं होगा? हम क्या ये नहीं कह सकते हैं जो रिलेशन होता है आर, वो सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का। आपने यहाँ एक छोटी सी बात ये सीखी, अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि रिलेशन को डिफाइन करो, तो आपको कुछ नहीं बताना, आपको ये बताना है कि जो रिलेशन आए हैं, यानी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज़ क्लियर है? तो बेटा इसी चीज़ को हमें समझाने के लिए इस एग्जांपल का सहारा लेना पड़े। फिर से एक बार हम अपनी बात को पूरा सा रिवाइज करते हैं। आपके पास सेट ए है, सेट बी है, हमने सारे ऑर्डर पेयर में तो हमें कोई ऐसा कनेक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, हमें 2, 4, 3, 9, 4, 16 में ऐसा कनेक्शन दिख रहा है ईजिली। ये कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि 2 इज़ रिलेटेड टू 4, ऐसे ही पढ़ सकते हैं, 3 इज़ रिलेटेड टू 9 एंड 4 इज़ रिलेटेड टू 16। अगर एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, इनके बीच में अगर हम एक ऐसे आर इंट्रोड्यूस करते तो इसका मतलब ये है कि ए इज़ रिलेटेड टू बी। अब ए का रिलेशन बी से है, अब वो क्या फार्मूला है, क्या कनेक्शन है, वो तो जब क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग से कनेक्शन हमें दिख रहा था। यहाँ तक क्लियर है? तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन करा है कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हम बात करते हैं, इसमें डोमेन की बात करते हैं, कोडोमेन की बात करते हैं और रेंज की बात करते हैं। चलिए ज़रा इसी को हम लोग और अच्छे समझ लेते हैं। क्लियर है बेटा? चलो सपोज करते हैं 5, 3 2 का डिफरेंस दिखा देते हैं, 6 में 4 का डिफरेंस दिखा देते हैं, 7 में 9 का। एक हमारे पास सेट ए ये था,
एक सेट बी ये है, ठीक है ना। ये हमने इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है वेन डायग्राम के थ्रू। हम ये कह रहे हैं कि 5 इज़ रिलेटेड टू 3, यानी 5 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन 4 से है, 7 का 9 से। ये सेट ए था, ये सेट बी, ठीक है ना। अब वो रिलेशन क्या है कि जो 3 है वो 5 से 2 लेस है, तो एक रिलेशन दिख रहा है। 4 जो है 6 से 2 लेस है, क्लियर है ना। और यहाँ पे 9 लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि 5 माइनस 2 3, 6 माइनस 2 4, 9 माइनस 2 7, एक ये रिलेशन सेट हो रहा ना, यानी 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 रिलेटेड टू 4, 9 इज़ रिलेटेड टू 7। ये एक मैपिंग है जो हमें एरो दे रहे हैं, एक इसको बोलते हैं मैप करना या मैपिंग करना, इसकी इमेज बन रही है। यहाँ तक क्लियर है। तो जो ये बेटा हम इसको ऐसे लिखेंगे, 5 इज़ रिलेटेड टू 3, 6 इज़ रिलेटेड टू 4 एंड 9 इज़ रिलेटेड टू 7। तो जो फर्स्ट नंबर आप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट एलिमेंट सेट ए के, इनको पढ़ते हैं डोमेन। इनको क्या पढ़ते हैं? डोमेन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है कि डोमेन क्या है, तो जो सेट ए है जिसकी मैपिंग बन रही है, जिसकी फिगर बन रही है, एक रिलेशन बन रहा है, उन सारे जो फर्स्ट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले नंबर होते हैं उनको पढ़ते हैं डोमेन। जो सेकंड नंबर है 3 4 7 3 4 7, इनको पढ़ते हैं रेंज। इनको क्या पढ़ेंगे? रेंज। यहाँ तक क्लियर है। और जो सेट बी है, इसको पढ़ते हैं कोडोमेन। सेट बी को क्या पढ़ेंगे? कोडोमेन पढ़ेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 3 4 7, इसकी कोडोमेन भी क्या आएगी? 3 4 7। अभी यहाँ तक क्लियर है। तो हमने क्या बात करी? सेट ए यानी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड डोमेन, सेकंड एलिमेंट दैट इज कॉल्ड रेंज, एंड सेट बी इज आल्सो कॉल्ड कोडोमेन। तो बेटा आज इतना ही हम लोग रखते हैं, बाकी और डिस्कशन करेंगे।